आज मैं अपने टेरिस गार्डन में आ रखी हूँ। यहाँ पर जो हमने बोया था, आज अप्रैल का महीना आ गया और अप्रैल के महीने में आपने देखा होगा, सारी आपने पहले भी देखा कि हमने बैंगन खूब बनाए बनाए हैं। देखिए ये बैंगन, ये है ये बैंगन, ये देखिए ये भी है हमारा, ये लंबे बैंगन। और इस तरह से यहाँ पर भी देखिए ये झुंड बना हुआ है बैंगनों का, छोटे छोटे से बच्चे बच्चे भी हैं उनके। अरे यहाँ पर हमने बैंगन लगाए थे सारा, यहाँ पर सब बैंगन हो रखे हैं। देखिए कितने सारे सब छोटे छोटे बैंगन हैं, अन्य जगह भी बोए हुए, सब पे बैंगन ही बैंगन हो रखे हैं। और इस समय ये ज़रूर है कि मेहनत का फल आता है, इस समय अच्छी पैदावार हो रखी है बैंगन की। और मैं इस पर देती हूँ उनको, ये जो जिन्होंने मेहनत करी है बच्चों ने। और आज ज़रा गुड़ाई निराई करी थी, ये हमने यहाँ इसमें जो है बैंगन के बाद धनिया के, देखिए प्याज है इसके अंदर, प्याज भी बो रखा है। और जब ये धनिया निकल जाएगी तो ये प्याज अपने में पूरी गांठ ले चुके हैं, खुल जाएंगे। तो ये धनिया देखिए इसमें हो गई है। टमाटर भी हमने दो तीन जगह बोए, तो ये देखिए इस पर टमाटर लगे हुए हैं, बहुत खा लिया इसमें से हमने, मतलब एक डेढ़ महीने से हम इसमें टमाटर खा रहे हैं। ये देखिए मिर्च है, कितनी अच्छी मिर्ची की पेड़ है, इसमें से चटनी बना बना करके बच्चों ने एक महीने से खा रहे हैं, हम खाते जा रहे हैं और ये हमें मिर्ची देती जा रही है। हमने कहा आपको कि हमने बैंगन और टमाटर बहुत बोए, तो ये सब हो गए। हम दो तीन महीने से टमाटर यहीं से भी खा रहे हैं, देखिए ये सारा है, ये फिर पक रहे हैं यहाँ पर, ये पकने देखो तो ये सब पकने की स्थिति में आ गए। और इसमें से हमने एक बार के पके हुए खा लिए। अब ये हमने जो प्याज बोया था बचा था उसमें से, उस डोल से हमने इसमें बो दिया था थोड़ा सा अपना, ये हो गई है बहुत अच्छा जो है इसमें प्याज हो गया। ये भी धनिया बोया था, धनिया भी अपनी ग्रोथ पकड़ गया है। और ये टमाटर, ये इस समय हमने पहले आपने देखा होगा हमारे गार्डन में कद्दू थे गोल वाले, यही समय लंबे वाले कद्दू, तो ये कद्दू लगने शुरू हो गए हैं। और इसमें ये हमारा बगीचा, खूब सारा हमने इस पेड़ को इसमें रखा। तो इस पेड़ में देखिए कितने सारे टमाटर ऐसे अंदर भी हैं, उधर से भी हैं, इधर से भी हैं, चारों तरफ से ये टमाटर बहुत अच्छी ग्रोथ। जो लहसुन थी मेरी, इसने हमें 6-7 महीने से, हमने जो है इसके पत्तों को इतना यूज किया, मुझे लहसुन से नहीं था जितना कि इसके पत्तों से था। और हमारे चटनी में, नमक में, पहाड़ी नमक जो इसी से बनता है, खूब खाया, खूब जो आए भी हमारे यहाँ वो भी ले गए। और देखो एक धनिया का पेड़ कितना अच्छा है। तो भी काफी टमाटर लगे, देखिए ये भी टमाटर लगे हुए हैं, इन पे भी हमने बहुत सारे टमाटर जो हैं खा लिए हैं और अभी ये हरे हरे हैं। मिर्च की हमने पूरे उसमें जो है मिर्चें बोई हैं, ये सब मिर्च की हैं और ये अब मिर्च होंगी। इसमें जो लहसुन बोया है हमने, इसको थोड़ा हटा दिया, अब हटाने वाले हैं, एक महीने में हट जाएगा। और इसके बाद आपने देखा होगा ये करेला, ये बेल ऊपर होने लगी है। और अगले साल आपने देखा होगा करेले का बहुत बड़ी बेलें थी, यही बेल अब यहाँ पर छा जाएगी। और साथ में थोड़ा सा तोरई का पेड़ भी बो रखा है, जिससे कि तोरई भी हो जाए मिर्ची पर। अब इसके बाद हम इन सबको हटाएंगे, हटाने के बाद अब इसमें केवल जो है ये बेलें चढ़ेंगी। और ये बेल जो है हमारे लौकी की भी उधर से बो रखी है, इधर हमने जो है ये करेला बो रखा है, इधर हमने ये तोरई बो रखी है, और बीच में मिर्च। ये देखिए तोरई है जो मेरी, एक बेल ऊपर चढ़ गई है। ये हमारा जो है आपने देखा कि ये
ये है हमारा खीरा, और इसमें खीरे आने लगे, देखो अभी खीरे छोटे छोटे इसमें आ गए हैं। ये कही ये कौन सी है, देखिए ये हमने पॉट पे खीरा बोया हुआ है और इसमें खीरा जो है स्टार्ट हो गए हैं। एक दूसरे पॉट पे भी हमने खीरा बोया है उधर को, वो भी स्टार्ट हो गया है। और यहाँ हमारी जो है ये खाद के लिए गड्ढा कर देती हूँ मैं, इधर उधर गड्ढे का डाल देती हूँ, तो यहाँ पे सारी कंपोस्ट खाद बनती रहती है और हमारे पेड़ों को अच्छा ग्रोथ मिल जाती है। आज ये पुदीना देखा आपने, जो ये पुदीना आज निकाला मैंने सुबह, और इसकी मैं जूस बनाऊंगी आज, क्योंकि अधिक मात्रा में है तो ये हम जूस बना के। और उत्तराखंड की चटनियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं, तो सब जो हैं पसंद करते हैं, तो आज हम जो है पुदीना की चटनी भी बनाएंगे। और ये पुदीना जो हमने आइस में से निकाला है, ये जो छोटे छोटे थे सब निकाल दिए, क्योंकि इसके बाद फिर दोबारा अपनी ग्रोथ ले लेते हैं। ये बैंगन यहाँ पर देखिए, सब बैंगन ही हो रखे हैं। एक बैंगन की बाहर है, फूल भी बीच बीच में लगाते रहते हैं। और यहाँ पर ये मेरा छोटा सा बेल है, सारी बैंगन ही बैंगन लगे हुए हैं।